मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार एक्शन मोड में दिख रहे हैं और सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए हर तरह के कदम उठा रहे हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में आप देखिए। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार एक्शन मोड में दिख रहे हैं और सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए हर तरह के कदम उठा रहे हैं। कहीं बैठ के ले रहे हैं तो कहीं अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले कर रहे हैं। आइए समझते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार एक्शन मोड में हैं। विधानसभा के विशेष सत्र की तैयारी में सरकार। मुख्यमंत्री का सचिवालय में देर रात तक कार्य होता है। दो दिन पहले ही पुलिस विभाग में किए गए थे अहम बदलाव। लगातार विभागों की समीक्षा कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। नगरीय प्रशासन और आवास पर्यावरण विभाग की बैठक ली। 21 नवंबर को भी कई महत्वपूर्ण बैठकें। 22 नवंबर को जिला राजनांदगांव में भेंट मुलाकात कार्यक्रम। 24 नवंबर को भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक। कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के व्यस्त कार्यक्रमों को देखते हुए कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से जुट चुके हैं और पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। आगामी विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन बीजेपी अभी से आक्रामक मोड में है। बीजेपी विधायक ने शहर की खस्ताहाल सड़क के खिलाफ पदयात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भी भाग लिया। ये रिपोर्ट आप देखिए। धमतरी विधानसभा क्षेत्र में सड़क की मांग को लेकर बीजेपी ने विशाल पदयात्रा की शुरुआत की है। बीजेपी की पदयात्रा में भारी संख्या में ग्रामीणों ने भी शिरकत की। विधायक रंजना साहू ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। रंजना साहू ने कहा कि लंबे समय से अच्छी और चौड़ी सड़क की मांग की जा रही है, लेकिन आज तक सड़क की हालत जर्जर है, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केवल और केवल झूठा आश्वासन मिला है कि ये रोड बन जाएगा, लेकिन आज पर्यंत आपने देखा है इस रोड में किसी भी प्रकार के कार्य प्रारंभ नहीं हुए और शासन प्रशासन लगातार हमसे झूठ बोलती रही। अभी भी वो कहते हैं कि 80% उन्होंने गड्ढे भरे। अरे 80% क्या, 8% गड्ढे नहीं भरे। अभी हम उस रोड से होके आ रहे हैं, लोगों के लिए रोड चलना दूभर